एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय आईवीएफ जर्नी पर। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अब जो वीडियोस आएंगी वो आईवीएफ से रिलेटेड ही आएंगी, तो सबसे पहला जो व्लॉग मैं ये बना रही हूँ कि आईवीएफ का जो सक्सेस रेट है वो क्या रहता है। तो वो बहुत से क्वेश्चन आते हैं मेरे पास, तो उससे रिलेटेड वीडियो बनाने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए औरों के साथ। तो देखिए, आईवीएफ का सक्सेस रेट क्या होता है। आईवीएफ में जो सक्सेस रेट होता है वो डिपेंड करता है हमारी कंडीशन पे। सबसे पहले जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारे मेनली दो ही क्वेश्चन हम डॉक्टर से करते हैं कि इसका सक्सेस रेट क्या रहेगा, और दूसरा जो है इसका मतलब क्या एक्सपेंसेस रहेंगे, कितना खर्चा आएगा, इंजेक्शंस के कितने खर्चे हैं, टेस्ट कितने होंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है मैं अलग अलग ब्लॉग वाइज दूंगी। तो सबसे पहला जो मैं आपको देने वाली हूँ, बनाने वाली हूँ, कि इसके जो सक्सेस के चांसेस कितने होते हैं, सक्सेस रेट क्या रहता है। तो सक्सेस रेट जैसे कि मैंने आपको बोला कि कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो नॉर्मली जैसे जो पहले आईवीएफ होता था, तो पहले जो था वो सक्सेस रेट बहुत कम रहते थे, 20-30% रहते थे। चाहे हम कितनी भी अच्छी कंडीशन हो हमारी, हमारे सारा अंदर से सही है और सारी चीज़ें सही हैं, सारी रिपोर्ट सही हैं, तो हमारा जो सक्सेस रेट था वो 30% तक रहता था, ज़्यादा से ज़्यादा 35% हो जाता था, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अब जो है बहुत सारी ऐसी टेक्निक आ गई हैं, जैसे कि आप बहुत बार आपने सुना होगा ब्लास्टोसिस्ट सुना है आपने, ठीक है, और बहुत सी ICSI सुना है, ठीक है। तो ये जो है बहुत सारी टेक्निक्स हैं और लेज़र हैचिंग है, ये सारी चीज़ों की वजह से जो सक्सेस रेट है वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए जो सक्सेस रेट रहता है, देखिए अगर हमारे सक्सेस रेट में ये नहीं है कि आपकी जो ट्यूब्स हैं उससे इसका कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप देखिए, आईवीएफ करवाया ही तभी जाता है जब आपकी ट्यूब्स जो है वो काम नहीं कर रही हैं, तो ही करवाया जाता है। तो इसलिए इसका ट्यूब से कोई लेना देना नहीं है। इसमें सिर्फ आपका जो एग्स हैं वो खुद के बन रहे हैं, एग्स की क्वालिटी अच्छी है, और आपका AMH वैल्यू वगैरह ये सारा अच्छा है। जो एग्स की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों अच्छी होनी चाहिए। आपके जो हस्बैंड के स्पर्म्स हैं वो ठीक हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती हैं आपके सक्सेस रेट पर। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, आपकी जो एम्ब्रियो की लाइनिंग है अंदर, आपकी जो यूट्रस की लाइनिंग है वो सही बननी चाहिए। जो यूट्रस की लाइनिंग है उसकी जो है अप्रोक्सीमेट 7 से अबव होनी चाहिए, 7 से 8 के बीच में। तो इस तरह से जो है आपके जो सक्सेस रेट है वो आप लगा लीजिए, 40-50% के बीच में जो है आपके सक्सेस रेट बन जाते हैं। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से मौसम चेंज हो रहा है, तो जो है मेरे को फीवर सा हो रखा है, कोल्ड हो रखा है। तो सक्सेस रेट जो है 40-50% तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद ये तो हो गया हमारी जो कंडीशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि ये सारी चीज़ें, जैसे मेरे को लगा लीजिए, क्वालिटी अच्छी थी, क्वांटिटी अच्छी थी, एग्स की स्पर्म्स भी अच्छे थे हस्बैंड के, और लाइनिंग भी बहुत अच्छी बनती थी, लेकिन जो था मुझे एंड्रोमेट्रोसिस था। एंड्रोमेट्रोसिस की वजह से क्या होता है, जो हमारी सिस्ट होती है, हमारे सिस्ट बन जाते हैं, उस सिस्ट में जो पानी होता है, वो जो गंदा पानी हमारी कई बार ट्यूब्स में आ जाता है, और वो ट्यूब्स की वजह से वो यूट्रस में चला जाता है। ये देखा ये वीडियोस नहीं मेरे को बनाने देते, तो वो जो है पानी हमारे जो है ट्यूब्स का पानी जो होता है वो हमारे यूट्रस में चला जाता है। यूट्रस में जाने की वजह से वो जो है हमारे एम्ब्रियो को ख़राब करने के उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक मैं आपको बता रही थी कि उसमें जो है अगर वो पानी हमारे यूट्रस के अंदर आ रहा है तो दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। यूट्रस के अंदर अगर पानी जाएगा तो हमारा एम्ब्रियो जो हम रखेंगे इम्प्लांट करने के लिए, वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ से हमारा सक्सेस रेट जो होता है, जो इम्प्लांटेशन के सक्सेस रेट्स होते हैं, आगे एम्ब्रियो ग्रो करने के सक्सेस रेट होते हैं, वो कम हो जाते हैं। तो इसीलिए कोई भी आईवीएफ जब आप करवा रहे हैं तो उसको प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग आपको चलना है। फिर उसके बाद अगर ये सारी चीज़ें सही हैं, आपको एंडोमेट्रोसिस वगैरह नहीं है, तो उसके बाद हमारे टेस्ट वगैरह जो है वो सारे देखे जाते हैं, जिसमें प्रोजेस्टेरोन लेवल देखा जाता है, और कई बार हमारी हिस्ट्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी की जाती है। जैसे जिनको एंड्रोमेट्रोसिस होता है उनकी कई बार लेप्रो हिस्ट्रो करने की ज़रूरत पड़ती है, यही देखने के लिए कि ट्यूब्स जो है वो, अगर पानी जो है वो यूट्रस में तो नहीं जा रहा,
तो उसको क्लिपिंग करने की ज़रूरत पड़ती है या उसको निकालने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सारा काम जो होता है एम्ब्रियो बनने के बाद किया जाता है। अगर हम पहले करेंगे तो इससे हमारी जो एग्स की क्वालिटी है उस पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ही देखी जाती हैं। उसके बाद ही सक्सेस रेट जो है वो डिसाइड किया जाता है कि कितना रहेगा। कुछ परसेंट हमें डॉक्टर तब भी बता देते हैं जब हमारे टेस्ट किए जाते हैं, हमारे एग्स की क्वालिटी क्वांटिटी देखी जाती है, एएमएच लेवल देखा जाता है, हमारी लाइनिंग देखी जाती है। ये सारी चीज़ें डॉक्टर हमें पहले ही बता देते हैं। फिर उसके बाद जब एम्ब्रियो तैयार हो जाता है उसकी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने जो है वो ब्लास्टोसिस्ट बने हैं, कितने 3 डेज के बने हैं और उनकी मतलब क्या क्या ग्रेड है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि मेरा जो ग्रेड था वो ज़्यादा अच्छा बन गया था और काफ़ी एम्ब्रियोस बन गए थे, 5 डेज के भी अच्छे बन गए थे, ब्लास्टोसिस्ट बना था, तो ये सब डिपेंड करता है। उसके बाद लाइनिंग अच्छी होनी चाहिए और जैसे कि मैंने आपको बोला। उसके बाद जो है बहुत जो है पर्संस ऐसे भी बोलते हैं कि मैम क्या इसे बढ़ाया जा सकता है। देखिए इसे बढ़ाने के तो यही तरीके हैं कि एक जो टेक्नोलॉजी है डॉक्टर, हर एक जो डॉक्टर वो देखिए जो ये सक्सेस रेट है वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से आपको ट्रीट करता है, ट्रीटमेंट करता है। मैंने आपको बोला कि प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग अगर डॉक्टर चलेंगे तो वो आपको अच्छे से वो प्लान कर कर चलेंगे किसी भी चीज़ का। देखिए आप कोई भी प्लानिंग से चलते हैं तो वो जो है सक्सेस होने के चांसेस उसमें ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए सक्सेस होने के चांसेस यहीं पर डिपेंड करते हैं कि जो डॉक्टर है वहाँ की लैब है वो सही है या नहीं, जो आपको इंजेक्शंस इसमें क्योंकि एम्ब्रियो जो है वो बाहर तैयार किया जा रहा है तो सारा जो है हमारी लाइनिंग के अलावा अंदर की इंटरनल जब सब कुछ ठीक है, अगर ठीक नहीं है उसे डॉक्टर ने अगर ठीक कर दिया है तो फिर उसके बाद जो है डिपेंड करता है एम्ब्रियो पे, और एम्ब्रियो बनाना करना वो सब कुछ डॉक्टर के हाथ में होता है। तो उसके बाद अगर आपके एग्स वगैरह क्वालिटी वगैरह ठीक है तो अब वो डिपेंड करता है कि लैब वगैरह सही होनी चाहिए, आप किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत से ऐसे जो है डॉक्टर्स होते हैं जो 2 लाख में 1.5 लाख में बोलते हैं आपका जो है IVF हो जाएगा और फिर बाद में आपको फेलियर का सामना करना पड़ता है, जो हमारे मेंटली हमें परेशान कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है सक्सेस रेट पे डिपेंड करती हैं। देखिए जितना मुझे नॉलेज थी मैंने आपके साथ जो है ये डिस्कस किया, और सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए तो मैंने आपको बोला कि जो डॉक्टर को डॉक्टर के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से आपको ट्रीट करेगा। तो यही वो तो डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं। बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज भी चली हुई हैं और बहुत से ऐसे ट्रीटमेंट्स भी चले हुए हैं जो इसको ठीक कर सकते हैं, और पहले से बहुत एडवांस टेक्निक्स हैं, बहुत वास्ट है जो कि ये डिपेंड करती हैं कि इसके सक्सेस रेट को कितना बढ़ा सकते हैं। तो अगर सारी चीज़ें अगर सही हो जाती हैं तो 70-80% भी सक्सेस रेट इसमें रहता है। तो यही जो है आपके जो क्वेश्चन था उसके मैंने आपको आई होप जो आंसर आपको दिया है वो आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं मेल आईडी पे, अगर पर्सनली बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी मैं आपको दे दूँगी अगर मेरे को नीड होगी, लगेगा कि आपको जो है आपसे भी जो है बात करने की ज़रूरत है। तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो का एंड करूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और के साथ शेयर कीजिए। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करूंगी। राधे राधे।